हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका गवर्नमेंट एग्जाम्स अड्डा में। दोस्तों, एक पेड़ के नीचे रोड के किनारे बैठ के वीडियो बना रहा हूँ, तो कुछ अननेसेसरी नॉइजेज इसमें आएंगी, तो उसको आप इग्नोर करिएगा। इस बीते सप्ताह में सीबीएसई को लेकर के घटनाक्रम बहुत तेज़ी से बदला है। क्लास टेंथ और क्लास ट्वेल्थ के पेंडिंग एग्ज़ाम्स को लेकर के बहुत सारे नए नए अपडेट्स आए हैं, और आप लोगों ने अदर यूट्यूब चैनल्स पे सारी चीज़ें देखी होंगी। हालांकि मैं वीडियोस अपलोड नहीं कर पाया, क्योंकि व्यक्तिगत कारणों से मैं थोड़ा सा बिजी हूँ, कुछ पारिवारिक वजहें हैं। एक सप्ताह में सारी चीज़ें मैं एडजस्ट करके फिर से वापस आ जाऊँगा, लेकिन इस बीच में समय निकाल करके आपके लिए वीडियो बनाना पड़ रहा है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो लोगों ने क्लियर नहीं की। बहुत सारी अफवाहें अभी भी उड़ रही हैं, जिससे बच्चों का नुकसान हो रहा है, बच्चे परेशान हैं। तो मैं सीधे मुद्दे पर आता हूं और बात करता हूं कि इस वीडियो में मैं करूंगा क्या। सबसे पहले हम बात करेंगे क्लास टेंथ और क्लास ट्वेल्थ के बीच लिए जो केस अपडेट था, उसमें जो हुआ वो आप जान ही गए होंगे। थोड़ी सी बात करूँगा कंपार्टमेंट इम्प्रूवमेंट का रिज़ल्ट कैसा रहेगा, किस तरीके से आएगा, प्रमोशन जनरल हो रहा है या नहीं हो रहा है, रेगुलर प्राइवेट जितने भी बच्चे हैं क्लास टेंथ ट्वेल्थ सबके बारे में मैं बात करूँगा, असेसमेंट स्कीम की कमियाँ क्या हैं, इससे फ़ायदा किसको ज़्यादा होगा किसको कम होगा, ये सारी बातें आपको इसी वीडियो में जानने को मिल जाएंगी। वीडियो पूरा देखिएगा, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले यूपी बोर्ड में उत्तीर्ण हुए सभी बच्चों को बहुत सारी शुभकामनाएँ। जितने भी नंबर आपको मिले हैं उसी तरीके से अपनी गुणवत्ता सुधारने का प्रयास करिएगा। जो बच्चे फेल हुए हैं उनके लिए बस दो लाइनें में बोलना चाहूँगा कि रंग लाती है हिना पत्थर पे घिस जाने के बाद, रंग लाती है हिना पत्थर पे घिस जाने के बाद, और सुरखरू होता है इंसान ठोकरे खाने के बाद। दोस्तों, एक ठोकर लगी है, निश्चित रूप से आप अगली बार और मजबूत होकर के सामने आएंगे और बहुत बेहतरीन प्रदर्शन करेंगे। आइए बच्चों शुरू करते हैं। दोस्तों, सीबीएसई की ये नोटिस हो सकता है आपने देख ली हो, समझ ली हो, और बहुत सारे लोगों ने इस पे वीडियोस निश्चित रूप से बनाए होंगे। हालांकि मैंने एक भी नहीं देखे, फिर भी मैंने ये निर्णय किया है कि मैं आपको इसी नोटिस से शुरू करता हूं, क्योंकि बिना इस नोटिस को समझे बहुत सारी चीज़ें क्लियर होने वाली नहीं हैं। तो अगर आपको नहीं लगता कि आपको ये चीज़ें देखनी हैं, तो 4-5 मिनट वीडियो आगे करके देखिएगा, क्योंकि ये नोटिस मुझे समझानी है कि इसका वास्तविक अर्थ क्या है एक स्कूल के मैनेजमेंट या शिक्षक के रूप में। तो बच्चों समझिएगा, इसमें पहले पॉइंट में कहा गया है कि क्लास टेंथ और क्लास ट्वेल्थ के जो भी एग्ज़ाम्स बचे थे 1 से 15 जुलाई के बीच में, उनको कैंसिल कर दिया गया है। दूसरी चीज़, असेसमेंट जो होगा परफॉर्मेंस का बच्चों के, वो भी ये लोग करेंगे। असेसमेंट कमेटी बनाई थी इन्होंने, और ये परफॉर्मेंस किनका होगा, जो एग्ज़ाम पेंडिंग था नहीं हो पाया है, जो एग्ज़ाम कैंसिल हुआ है, यानी वो सारे पेपर जो 1 से 15 जुलाई के बीच में होने थे, उनमें क्लास ट्वेल्थ के बच्चों का जो भी इनका पैरा 7 है आगे आएगा, उसके हिसाब से ये असेसमेंट करेंगे। मतलब इसी आधार पर रिजल्ट घोषित किया जाएगा। अगले पॉइंट में सीबीएसई ने कहा है कि 15 जुलाई को इसी आधार पर, असेसमेंट स्कीम के आधार पर, ये लोग रिज़ल्ट घोषित करेंगे, और इस तरीके से जो ट्वेल्थ के बच्चे हैं या टेंथ के बच्चे हैं, वो हायर एजुकेशन के लिए अपने अपने मनपसंद इंस्टीट्यूशंस में दाखिला पाने के लिए स्वतंत्र हो जाएंगे, उनके ऊपर कोई दबाव नहीं रहेगा। हालांकि चौथे पॉइंट में इन्होंने कहा है कि हम क्लास ट्वेल्थ के लिए सीबीएसई के द्वारा एक ऑप्शनल एग्जामिनेशन करवाया जाएगा। बच्चों, ये एक तरीके का इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम आप कह सकते हो, जो ऑप्शनल कह रहा है, लेकिन इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम हम इसको इसलिए नहीं कहेंगे क्योंकि इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम होगा अगले साल जो बोर्ड एग्ज़ाम होगा उसके साथ में। ये ऑप्शनल एग्ज़ाम इन्होंने कहा है, इसमें वो बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे जिनका 1 से 15 जुलाई के बीच में पेपर था और उन्होंने एग्ज़ाम नहीं दिया, उनको असेसमेंट के आधार पे, इंटरनल असेसमेंट के आधार पे, असेसमेंट स्कीम के आधार पे पास किया गया, लेकिन वो अपने अंकों से संतुष्ट नहीं हैं, वो लोग ये एग्ज़ाम दे पाएंगे। अगर उनका इसमें बेहतर रिजल्ट आ जाएगा तो यही वाला एग्ज़ाम जो ऑप्शनल एग्ज़ाम होगा, इसी के नंबर जोड़े जाएंगे, जैसा कि इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम में होता है। फिफ्थ पॉइंट में इन्होंने कहा है कि क्लास टेंथ के लिए कोई एग्जामिनेशन नहीं होगा, और जो भी असेसमेंट स्कीम है उसी के आधार पर हम रिज़ल्ट घोषित करेंगे। हालांकि 1 से 15 जुलाई के बीच में कोई भी एग्ज़ाम ऑल इंडिया लेवल पे नहीं रह गया था, सिर्फ नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के बच्चों का बाकी था, तो ये बात भी आपको समझ लेनी चाहिए। क्लास टेंथ में बहुत बच्चों का असेसमेंट स्कीम से बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला नहीं है। अब अगर बच्चों देखो, यहाँ पे पॉइंट नंबर 6 में कहा गया है क्लास ट्वेल्थ के लिए कि अगर आप अगला एग्ज़ाम नहीं देते हैं, यानी ऑप्शनल एग्ज़ाम नहीं देते हैं,
तो जैसा कि पॉइंट नंबर टू में इन्होंने कहा है कि इस असेसमेंट स्कीम के आधार पर ही आपको पास कर देंगे, तो उसी आधार पे जो आपका रिजल्ट आएगा बच्चों वो आपका फाइनल रहेगा। और अगर आप पॉइंट फोर में दिए गए एग्ज़ाम को देते हैं, ऑप्शनल एग्ज़ाम देते हैं, तो उस टाइम पे आपकी जो मार्क्स आएंगे वही आपके फाइनल होंगे। वो किस विषय में आप दे पाएंगे बच्चों, जिसमें आपका एग्ज़ाम होना था 1 से 15 जुलाई के बीच में, यानी कि उन सब्जेक्ट का एग्ज़ाम आप नहीं दे पाएंगे जो सब्जेक्ट आपका हो चुका है। 1 से 15 जुलाई के बीच में होने वाले एग्ज़ाम को ही आप रिपीट कर पाएंगे, और सिर्फ उसी के नंबर अब अगर कम आ गए बच्चों ऑप्शनल एग्ज़ाम में तो कम वाले माने जाएंगे, और ज़्यादा आ गए तो ज़्यादा वाले माने जाएंगे। यही डिफरेंस है इम्प्रूवमेंट और इस एग्ज़ाम में, क्योंकि इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम में बेस्ट ऑफ टू लिया जाता है, जो सबसे अच्छा होता है वही नंबर जोड़ा जाता है। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचे, क्रॉप करें और सबमिट करें। 3 सेकंड के अंदर पाए उसका वीडियो सॉल्यूशन। क्लास 6 से क्लास 12 एवं नीट, आईआईटी, जेईई, मेंस और एडवांस लेवल तक। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप, लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में। डाउट हो तो डाउट नेट करो। अब देखो इसी को लेकर के बहुत सारे लोगों ने बहुत हुआ खड़ा किया था। अभी पिछला वीडियो मेरा देखिएगा आप लोग, मैंने साफ साफ बताया था कि सीबीएसई की मीटिंग में क्या हुआ है, और जब आप उस वीडियो को देखेंगे, 2 मिनट का वीडियो होगा, देख लीजिएगा, तो आपकी समझ में आ जाएगा कि आपको कितना बेवकूफ़ बना रहे हैं लोग यहाँ यूट्यूब पे। जनरल प्रमोशन 3 महीने से हो हल्ला मचा करके बच्चों को बेवकूफ़ बना करके पका डाला इन लोगों ने। हाँ, मतलब शिक्षक ना हुए ये लोग, धंधेबाज हो गए। बच्चों देखो, जनरल प्रमोशन किसी का नहीं होना है, एक बात कान खोल करके सुन लो। जितने भी ये लोग हैं, मैं इनको दलाल बोलता हूँ सीधे सीधे, कौन लोग हैं मुझे नहीं पता, जनरल प्रमोशन कराने वाले एकदम दलाल हैं, दलाल। और मैं बार बार कहूँगा, एक बात जान लो बच्चों, आपको धोखा, आपके साथ धोखा किया जा रहा है। किसी भी तरीके का जनरल प्रमोशन नहीं होगा, ये चीज़ें आपको असेसमेंट स्कीम देख करके खुद से पता चल जाएंगी, और वो मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। देखो पॉइंट नंबर ए में कहा गया है, जो क्लास 10th और 12th के बच्चे हैं जिन्होंने अपना पूरा एग्ज़ाम कम्प्लीट कर लिया था, उसी के आधार पर जो उन्होंने कॉपी में लिखा होगा उसी के आधार पर उनका रिजल्ट घोषित कर दिया जाएगा। अब आप बताओ आपका जनरल प्रमोशन कैसे हुआ बच्चों, जब ये कह रहा है कि कॉपी के आधार पर रिजल्ट घोषित होगा, मतलब कॉपी में फेल तो फेल। हमारे साथ के कई लोग थे, उन्होंने बताया कि फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, मैथ्स में, बायोलॉजी में, यहाँ तक कि 10th के साइंस में बहुत सारे बच्चे फेल हुए हैं। अब अगर उसी आधार पर आपका रिजल्ट घोषित हुआ, आप फेल हो गए, तो कंपार्टमेंट एग्ज़ाम तो होना है, कंपार्टमेंट एग्ज़ाम की तैयारी आपको करनी है। इन लोगों के चक्कर में मत आओ, नहीं तो ये आपको दूसरे एग्ज़ाम में भी फेल करवा देंगे। तो पहली बात तो ये बच्चों की, आपको 10th और 12th का जितने बच्चों का जितना पेपर हो गया था उतना उनका कॉपी वाला नंबर मिलेगा। पिछले वीडियो में जब ये बात हमने बताई, व्हाट्सएप पे मुझे सैकड़ों गालियाँ मिली हैं जनरल प्रमोशन चाहने वाले बच्चों से, फिर भी आपके लिए वो भी बर्दाश्त है, सह लेता हूँ, कोई बात नहीं है। चलो दूसरे पॉइंट की बात हम करते हैं। जिन बच्चों ने 3 से ज़्यादा सब्जेक्ट में अपीयर किया था, जो भी रहा हो, तो जो उनके बेस्ट 3 परफॉर्मिंग सब्जेक्ट रहे होंगे, मान लिया आपने 4 सब्जेक्ट में एग्ज़ाम दिया, आपका एक ही बचा हुआ है, तो जो 3 मेन सब्जेक्ट आपके रहे होंगे जिसमें ज़्यादा नंबर मिला होगा, उसी के नंबर के आधार पे आपका रिजल्ट घोषित कर दिया जाएगा, उसी का एवरेज मार्किंग आपको मिल जाएगा। ऐसे लोग जिन्होंने 3 सब्जेक्ट में एग्ज़ाम दिया है, उनके 2 सब्जेक्ट का मार्क्स का एवरेज आपको मिलेगा। और ऐसे भी लोग हैं, बहुत बहुत कम बच्चे हैं जिन्होंने 1 या 2 सब्जेक्ट का रिजल्ट एग्ज़ाम दिया था, और उनका उसी के आधार पर, उसी के परफॉर्मेंस के आधार पर या इंटरनल प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट असेसमेंट के आधार पर उन बच्चों को नंबर दे दिया जाएगा। सीबीएसई ने साफ कर दिया कि किसी भी तरीके का जनरल प्रमोशन हम नहीं करने वाले हैं। बच्चों को अभी भी भ्रम है, लोगों ने भ्रम पैदा किया हुआ है कि अब तो हमने सबको पास करवा दिया। बच्चों रिजल्ट आएगा 15 को, देख लेना, लिख के रख लो। जिन बच्चों की कॉपी ख़राब हुई है वो फेल होंगे। मैं आपको झूठी तसल्ली नहीं देता, क्योंकि मैं आपकी भलाई चाहता हूँ। आपको गाली देना है दे लेना बच्चों, कोई बात नहीं है, आपकी भलाई के लिए मैं ये गाली भी सह लूँगा। आप सीधे सीधे बात सुनो, कंपार्टमेंट, प्राइवेट, रेगुलर, जितने भी बच्चे हो सभी लोग सुन लो, रेगुलर, प्राइवेट सबका रिजल्ट आएगा, एक साथ में आएगा। जिन्होंने इम्प्रूवमेंट भरा था, जिन्होंने एडिशनल सब्जेक्ट भरा था, जिन्होंने पत्राचार भरा था, जो जितने भी बच्चे थे सबका रिजल्ट 15 को आएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। दूसरी चीज़ कि आप लोगों को अगर ये अभी भी लग रहा है कि सभी बच्चे पास होंगे, तो भूल जाओ बच्चों,
क्योंकि सभी लोगों को पास नहीं होना है। जितने लोगों ने कॉपी लिख दी है वो कॉपी चेक हो गई है, उस चेक्ड कॉपी के आधार पर आपका रिज़ल्ट आएगा। यानी कि अगर आपका वो पेपर अच्छा नहीं गया है तो आपको कंपार्टमेंट की तैयारी करती रहनी चाहिए। एक और चीज़, इस साल बहुत सारे बच्चों को एक चीज़ को लेकर के बहुत ज़्यादा भड़काया गया और गलत सूचना दी गई। किसने दी ये आप बेहतर तरीके से जानते होंगे कि इस साल मैं मॉडरेशन पॉलिसी लगवा दूंगा। हे पार्थ, मॉडरेशन पॉलिसी से बच्चों का फ़ायदा तब होता है जब उनको 80% मिले 100% में से। मतलब अगर आपको 80% मिल रहा है तो आपका 95% होगा। कमज़ोर बच्चों को इससे कोई फ़ायदा नहीं होता है, ध्यान से सुन लो। भड़काया गया बहुत, और सुनने में ये आ रहा है बच्चों कि इस साल मॉडरेशन पॉलिसी लगाने की CBSE की कोई योजना नहीं है। अभी तक की सूचना यही है कि मॉडरेशन पॉलिसी शायद नहीं लगेगी। हालांकि इसकी एक बैठक होनी है जुलाई के फर्स्ट वीक में, मैं पहले से बताता आ रहा हूँ। हो सकता है वो कुछ निर्णय चेंज कर दें, लेकिन अभी तक कोई योजना इनकी नहीं है। अब बात करते हैं कि जो कंपार्टमेंट 2 है, कंपार्टमेंट 3 है, ये सब बच्चे क्या करेंगे जिनका कंपार्टमेंट 3 का एग्ज़ाम देना है, या जिनका जो फेल हो जाएंगे, जिनको कंपार्टमेंट देने की ज़रूरत पड़ेगी। तो बच्चों देख लो, मेन एग्ज़ाम नहीं हो रहा है। मैं आपको बहुत ज़्यादा उम्मीदें नहीं दे रहा हूँ, मेन एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड हुआ है। तो मेन एग्ज़ाम जब नहीं हो पा रहा है तो कंपार्टमेंट एग्ज़ाम होने की तस्वीर धुंधली हो गई है। लेकिन इन्होंने जो ऑप्शनल एग्ज़ाम करवाना है, ऑप्शनल सब्जेक्ट का एग्ज़ाम जो ये करवाएंगे, सुनने में ये आया है कि उसी के साथ में आपका कंपार्टमेंट 3 वाला एग्ज़ाम भी होगा। यानी जो बच्चे कंपार्टमेंट 2 का एग्ज़ाम फेल कर जाएंगे वो कंपार्टमेंट 3 देंगे ऑप्शनल सब्जेक्ट के एग्ज़ाम के साथ में। जो बच्चे मेन एग्ज़ाम फेल कर जाएंगे उनका भी कंपार्टमेंट होगा। कब होगा इसके बारे में हमने बहुत प्रयास किया कि CBSE क्या सोच रही है। CBSE के किसी ऑफिशियल से तो बात नहीं हो पाई, बट एक रीजनल ऑफिस में काम करने वाले किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति से बात हुई, जिन्होंने अनऑफिशियली ये बताया कि अभी कोई डेट फिक्स नहीं है। जब ये एग्ज़ाम्स होंगे ऑप्शनल वाले, उसी के साथ में CBSE ये प्लान कर रही है कि वो ऐसा एग्ज़ाम करवा करके आप सभी लोगों को एक मौका ज़रूर देगी, ताकि ऐसे बच्चे जो रेस में थोड़े से पीछे रह गए हैं उनको आगे होने का मौका मिले, एक चांस ज़रूर मिले। तो बच्चों ये सूचना थी आपके कंपार्टमेंट एग्ज़ाम को लेकर के। एग्ज़ाम होगा इस बात को लेकर के निश्चिंत रहिए, कब होगा ये क्लियर नहीं है। तो आप अपनी पढ़ाई जारी रखिए, नहीं तो आपका नुकसान हो जाएगा। एक सप्ताह के बाद मेरे वीडियोस रेगुलर आने लगेंगे, उस टाइम पर मैं आपको गाइड करूंगा किस तरीके से आपको इसकी तैयारी करनी है और किस तरीके से इस टेंशन से आपको आगे आना है। बच्चे पूछ रहे हैं सर रिज़ल्ट कैसा आएगा। मैं आपको बता दूं बच्चों, रिज़ल्ट इस साल बढ़िया आएगा अगर आपने कॉपी में अटेम्प्ट किया होगा, ठीक ठाक लिखा होगा, तो आपके एक्सपेक्टेशन से आपको ज़्यादा नंबर मिलेंगे। ये चीज़ जाने रहो, क्योंकि कॉपी बहुत अच्छे से लीनियंटली चेक की गई है। ग्रेस मार्क्स के बारे में भी जान लो बच्चों कि अभी ये इसकी CBSE की कोई ये डिक्लेयर्ड पॉलिसी नहीं है, बट आपको मिले होंगे, इसके बारे में भी जान लीजिए अगर आपको अभी भी कुछ पूछना है। हाँ, एक बात मैं और बोल दूँ, जो बच्चे इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम वाले हैं अगले साल बोर्ड एग्ज़ाम के साथ में, उनको इम्प्रूवमेंट देने का मौका मिलेगा। जनरल प्रमोशन नहीं हो रहा, यानी सभी बच्चों को पास नहीं किया जाएगा। जो फेल हो गए कॉपी में वो फेल रहेंगे, उनके लिए कोई वो नहीं है, बात सच है और यही है। तो बच्चों ये सूचना थी। इसके अलावा जो कुछ भी आप जानना चाह रहे हों, कोर्ट में क्या हुआ, ये सारी चीज़ें आप जान चुके होंगे, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। 2-3 दिन में प्रयास करूँगा फिर से एक वीडियो में बना दूँ। कुछ दिन तक वीडियोस ना बना पाने के लिए आपसे I am very sorry। तब तक के लिए आपके भविष्य की बहुत सारी शुभकामनाएँ, आपका भविष्य उज्ज्वल हो। ऑल द बेस्ट, मे गॉड ब्लेस यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।